मल्लिकार्जुन खड़गे ते राहुल गांधी मिले केजरीवाल, खड़गे के घर हुई मुलाकात, गठजोड़ के नजरिए तो अहम मनी जा रही है मीटिंग। नीतीश कुमार के वालों इंडिया गठजोड़ का कन्वीनर बन तो इनकार, जेडीयू ने कांग्रेस तो ही किसी को कन्वीनर बनाने का रखा प्रस्ताव, वर्चुअली मीटिंग के सीट शेयरिंग से भी हुई चर्चा। कि चंडीगढ़ के दिखेगा इंडिया अलायंस का पहला ट्रेलर, वक्त वक्त नामजदगियां भरन तो बाद भी कांग्रेस के आप ने नाल आने तो नहीं किया इनकार, बीजेपी ने मनोज सोनकर को मैदान के उतारिया। चंडीगढ़ च मेयर चुनाव से पहला फिर बदली तस्वीर, बीजेपी कौंसलर गुरचरणजीत काला आप दे विच शामिल, बीटी वालों लाए किडनैपिंग के इल्जामों नूं भी नकारिया। सीएम भगवंत मान ने फिर दिता 13-0 का नारा, अरविंद केजरीवाल को रिप्लाई करके लिखिया ऐतकी पंजाब बनेगा हीरो, इस बार 13-0। मजीठिया ड्रग केस की जांच के लिए बनी एसआईटी के बदलाव, 3 होर अधिकारियों नूं कीता गया शामिल, मोहाली के डीएसपी नरिंदर सिंह, इंस्पैक्टर दरबारा सिंह ते डीएसपी जसविंदर शामिल, 16 तरीक नूं मजीठिया तो होणगे सवाल जवाब। कतल के 10 दिन बाद मॉडल दिव्या पहूजा की लाश बरामद, हरियाणा के टोहाना के भाखड़ा नहर के मिली डेड बॉडी, पिट से बने टैटू तो हुई पहचान, होटल मालिक अभिजीत सने हुण तक 5 गिरफ्तार। संगरूर के गन हाउस के हथियारों की लुट, 3 नकाबपोश लुटेरिया ने लुटे 16 हथियार, पिस्टल से बंदूकों की की लुट, निहंगा के बाने के आए थे 2 लुटेरे। जम्मू कश्मीर के शहीद हुए जवान गुरप्रीत सिंह दिती गई अंतिम विदाई, गुरदासपुर के पिंड भैणी खादर के होया संस्कार, कैबिनेट मंत्री कुलदीप धालीवाल ने अर्थी दिता मोढ़ा। देश भर के मनाया जा रहा लोहड़ी का त्यौहार, पंजाब के वक् वक् थावां लगियां रौनकां, लोग नच गा के मना रहे ने लोहड़ी का जश्न। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा, मैं परमिंदर सिंह तेजा, सारे दर्शकों का स्वागत है खबरों का प्राइम टाइम के, जिसकी शुरुआत कर जा रहे हैं इंडिया गठजोड़ के नाल जुड़ी हुई वड्डी खबर तो। लगातार मुलाकातां भी हो रही, इस दे विच आले दिल्ली तो तस्वीरां सामने आईयां ने, खड़गे ते राहुल गांधी के नाल अरविंद केजरीवाल की मुलाकात हुई है, मल्लिकार्जुन खड़गे की रिहायश से दरअसल मीटिंग हुई है, गठजोड़ के नजरिए तो यह मीटिंग बहुत अहम मनी जा रही है। के सी वेणुगोपाल ते राघव चड्ढा भी इस मीटिंग के मौजूद रहे, सीट शेयरिंग से इस मीटिंग के दरअसल जी की चर्चा हुई है, इस मीटिंग के राघव चड्ढा भी शामिल होए, सो तस्वीर भी तुम्हें दिखा रहे हैं, ये मीटिंग दी तस्वीर ने, दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे की रिहायश से जी कि मुलाकात हुई अरविंद केजरीवाल जी, मल्लिकार्जुन खड़गे तो राहुल गांधी के नाल ये मुलाकात की गई है, क्योंकि जेकर पंजाब के लिहाज देखा जाए तो पंजाब के लिहाज भी यह मीटिंग बहुत अहम है, क्योंकि अजे फिलहाल सीट शेयरिंग लैके चर्चा लगातार हो रही है, पंजाब को लैके सवाल बरकरार है, हालांकि लगातार कांग्रेस के अपने पद्धर से कहा जा रहा है कि 13 दियां 13 सीटों से पूरी तैयारी है, अपने दम से चोण लड़ी जाएगी, दूजे पास मुख्यमंत्री मान के वालों 13-0 का नारा दिता जा रहा है, तो इस दाले मीटिंग होना अपने आप बहुत अहम है, हालांकि सवाल यह बरकरार है कि आखिरकार पंजाब तो दिल्ली की पिक्चर किस तरह की होगी, कि पंजाब के भी गठजोड़ होगा, पंजाब के सीट शेयरिंग होगी, दिल्ली के तस्वीर आने वाले दिनों किस तरह की नज़र आएगी, पर इस दाले ये मीटिंग बहुत अहम है, क्योंकि जिथे लगातार इंडिया गठजोड़ दी बैठकों का दौर जारी, तो इस दाले अरविंद केजरीवाल तो राघव चड्ढा खुद मल्लिकार्जुन खड़गे की रिहायश से पहुंचे, रिहायश से ही खड़गे तो राहुल गांधी के नाल दरअसल ये बहुत ही अहम मुलाकात की गई। Only a courtesy meeting with Arvind Kejriwal ji and the Congress President Rahul ji. That's all. Courtesy meeting. Only a courtesy meeting. पहले meeting थी वो बार-बार appointment चाह रहे थे. No, that खत्म हो गया. No. होगी chairing को लेकर बात. No. Only a courtesy meeting with Arvind Kejriwal ji and the Congress President Rahul ji. That's all. Courtesy meeting. Only a courtesy meeting. पहले meeting थी वो बार-बार appointment चाह रहे थे. No, that खत्म. एक पासे मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 13-0 का नारा दिता है, तो दूजे पासे दिल्ली तो यह तस्वीर आई ने जो 24 की नवी पिक्चर वाल इशारा कर रही ने, यह तस्वीर कांग्रेस प्रधान मल्लिकार्जुन खड़गे की रिहायश दियां ने, ते आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल इस ही रिहायश से पहुंचे, तो मल्लिकार्जुन खड़गे तो राहुल गांधी के नाल मुलाकात की गई, तो इस दौरान के सी वेणुगोपाल तो राघव चड्ढा भी मौजूद रहे, तो मीटिंग पंजाब तो दिल्ली के लिहाज के नाल बहुत अहम है।
इस तो पहला इंडिया गठजोड़ की वर्चुअली मीटिंग हुई। इस मीटिंग दे विच खड़गे, केजरीवाल, नीतीश कुमार ते लालू यादव सने 14 विरोधी पार्टियां दे लीडर शामिल हुए। इस मीटिंग दे विच मल्लिकार्जुन खड़गे नूं इंडिया गठजोड़ का चेयरपर्सन बनाउण दा प्रस्ताव लिया गया, जिसते सारिया वालों सहमति जताई गई। हालांकि इस दौरान नीतीश कुमार नूं इंडिया गठजोड़ का कन्वीनर बनाउण दा प्रस्ताव रखा गया, पर नीतीश कुमार ने इस तों किनारा कर दिता। The name of Ms. Kharge was proposed as chairperson. It was agreed upon. And the name of Ms. Nitish Kumar was proposed as chairperson. And it was also agreed. All those attended the meeting agreed. But a suggestion was made. It should be communicated to TMC, Samajwadi Party. And finally, it should be announced. Then it was suggested to Mr. Kharge to communicate to them and inform, take their consent also. That's all. एक पास इंडिया गठजोड़ दीयां बैठकां दा दौर जारी है, तां इस दे विचाले केजरीवाल दी खड़गे ते राहुल गांधी नाल मुलाकात काफी अहम है। ते इस दे विचाले जदों सीएम 13-0 दा नारा दे रहे ने, तां सवाल बरकरार है कि की पंजाब दे विच आप कांग्रेस एक फ्रेम दे विच फिट होवेगी, जां 24 दे मैदान दे विच राह वख-वख होणगे। दिल्ली तों शिवम प्रताप, न्यूज़ 18 पंजाब। एक पासे इंडिया गठजोड़ दीयां बैठकां दा दौर जारी है, ते इस दे विचाले 14 जनवरी तों राहुल गांधी दी यात्रा दा आगाज़ होण जा रिहा है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा दी शुरुआत होवेगी। मणिपुर दे इंफाल तों इह यात्रा शुरू कीती जावेगी। कांग्रेस प्रधान मल्लिकार्जुन खड़गे हरी झंडी विखाउणगे। 20 जनवरी नूं मुंबई दे विच इह यात्रा खत्म होवेगी। 17 दिन दे विच 713 किलोमीटर दी इह यात्रा जिहड़ी कि कीती जावेगी। इहनां सफर तय कीता जावेगा। 15 सूबे ते 110 ज़िलिआं नूं इस दौरान कवर कीता जावेगा। For 11 days, we will be in the northeast part of our country, Manipur, Nagaland, Assam, Arunachal Pradesh, back to Assam, Meghalaya, and then we enter the other states. So for the next 11 days, agar 11 dino ke liye, hum uttar purvi Bharat ke 5 rajyon mein ye Bharat jodo nyaya yatra राहुल जी के नेतृत्व में होगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय अगले 2 महीने में राहुल जी अलग अलग नागरिक संस्थाओं से मिलेंगे, अलग अलग जगहों में पब्लिक मीटिंग होंगी और वो स्पष्ट करेंगे कि जब हम अन्याय की बात करते हैं, एक तो आलोचना करना एक बात है, हकीकत दिखाना एक बात है, पर हमारे पास क्या सुझाव है, कांग्रेस पार्टी के मन में क्या है नागरिकों को न्याय पहुंचाने के लिए, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, इसके बारे में राहुल जी बोलते रहेंगे, जनता के बीच में जाएंगे और ये संदेश, चुनावी फायदा के लिए ये यात्रा नहीं निकालेंगे। मैं आपको स्पष्ट करूं, अगर सिर्फ हम चुनाव ही चुनाव सोचते थे तो ये यात्रा हम निकालते नहीं। तो चुनाव से ऊपर हटकर विचारधारा की बात है, विचारधारा का मुकाबला है। हाँ, चुनाव वास्तविकता, हमें चुनाव लड़ना है, हम कोई एनजीओ नहीं है, हमें, हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, राजनीतिक दल है, हमें चुनाव लड़ना है, पर साथ साथ चुनाव की तैयारियां हो रही है, चल रही है, प्रक्रिया जारी है। हुण गल होवेगी चंडीगढ़ दे चोण अखाड़े दी। 3 सियासी धिरां ने मेयर दी चोण दे लई कागज़ दाखिल कर दित्ते ने, पर फिलहाल जो बयान कांग्रेस ते आप आगूआं दे आए ने, इस तों पिक्चर अजे बाकी नज़र आ रही है, क्योंकि गठजोड़ तों कोई भी इनकार नहीं कर रहा। चंडीगढ़ दे मेयर दी चोण नूं लै के अखाड़ा पूरी तरह भखिया होया। मुख मुकाबला 3 धिरां दे विचकार है, जिस नूं लै के बीजेपी आप ते कांग्रेस दे उम्मीदवारां ने नामजदगी पत्र दाखिल कर दित्ते ने। बीजेपी वालों मेयर दे उम्मीदवार मनोज सोनकर, आप तों कुलदीप कुमार ते कांग्रेस तों जसबीर बंटी ने नामजदगी भरी ते आपो अपनी जित दा दावा कीता गया।
हालांकि नामजदगियां दाखिल करने तो पहला कांग्रेस ते आप दे गठजोड़ दियां खूब चर्चावां सन ते जदों इही सवाल कागज भरन वेले कांग्रेस ते आप आगुआं नूं होया तां ना ही गठजोड़ तों इनकार कीता ते ना ही कोई हां पक्की जवाब आया। इत्थे ये नहीं कह सकते कि नहीं बन पाई, सारा कुछ सब्जेक्ट टू हाई कमांड दे फैसले दे हुंदा, उन्हां दी आपस में गल चल रही है। नॉमिनेशन दी अज लास्ट डेट है, नॉमिनेशन तां भरनी भरनी सी ना, इस कारण आम आदमी पार्टी भरन जा रही है नॉमिनेशन। ओ उन्हां तों पुछना होएगा तुसी, नहीं ओ भर रहे ने, भर रहे ने, बस फिर उस तों बाद फिर फैसला फिर हो सकता है, टाइम बहुत हो जाता है उस तों बाद। देखो ऐदा है, जब इंडिया अलायंस बन चुका है तो बाकी सारी चीजा भी हो सकती, कोई ऐसी गल नहीं। तुहानू की लगता है कि हले तो इलेक्शन 18 तारीख नू है, सब कुछ होना है, गलबात तुरी सी अगे बढ़ सकती है? बिल्कुल वधेगी जी, गलबात अगे वधेगी, कोई ऐसी जी गल नहीं है, ते ऑप्शंस जेडियां ने ओपन ने, ते बहुत जल्दी तुहानू अच्छा फैसला सुनावांगा। ता मेयर दी चोण तो पहला बीजेपी नू वड्डा झटका लग्या, बीजेपी कौंसलर गुरचरणजीत काला आप दे विच शामिल हो गए। हालांकि पहला बेटे ने किडनैप होने का इल्जाम लाया सी, पर गुरचरणजीत ने कहा कि मेरे किडनैप होने की खबर अफवाह सी, मैं अपनी मर्जी दे नाल ही आप दे विच शामिल होया हां। गुरचरणजीत सिंह काला 20 नंबर वार्ड तो कौंसलर, मैं बीजेपी ने छड़ के आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी है, जिसके बीच भी कोई किसी का मेरे पर प्रेशर नहीं है, कुछ लेन नहीं देन नहीं, मेरे परिवार को गुमराह करके ये झूठी बहुत आई। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਫਿਲਹਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਵਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦਿਖੇਗਾ, ਇਸ ਵਾਰ ਮੇਅਰ ਵਾਲਾ ਤਾਜ ਕਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਸੱਜੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਰੋਕਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ। ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ। ਈਡੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਚੌਥਾ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਅਸਲ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ 3 ਸੰਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਈਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ। 3 ਜਨਵਰੀ, 21 ਦਸੰਬਰ ਤੇ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੁਝ ਲੁਕਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਹੱਥ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਨੇ। ਦੇਖੀਏ 2011 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬੜੀ ਬੜੀ ਬਾਤੇਂ ਕਰਤੇ ਥੇ ਔਰ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਕੇ ਮਿੱਤਰੋਂ ਕਹਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀਡੀਓਸ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਦਿਖਾਈਏ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਕੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਤੇ ਥੇ आज वो भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी आम आदमी पार्टी के उप मुख्यमंत्री जेल में है भ्रष्टाचार के चलते, उनके स्वास्थ्य मंत्री 1.5 साल जेल में रहे भ्रष्टाचार के चलते, उनके शराब मंत्री शिक्षा मंत्री जेल में है, उनके सांसद जेल में है, आखिरकार इनके विधायकों से लेकर सांसदों को जेल क्यों जाना पड़ा? भ्रष्टाचार के चलते। और अराजकता फैलाने का काम, भ्रष्टाचार को बढ़ाने का काम अरविंद केजरीवाल जी और इनके राजनीतिक दल ने किया है, और जब जांच होती है तो जांच से भागने का काम करते हैं। ऐसा कोई बचा नहीं जिसको अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने ठगा नहीं। ये ठगने का लूटने, देश की जांच एजेंसियां स्वतंत्र रूप से अपना काम कर रही हैं और जानबूझकर अरविंद केजरीवाल जो कि भ्रष्टाचार की दलदल में, भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा में पूरी तरह लिप्त हैं, वो बचने का रास्ता निकाल रहे हैं। जनप्रतिनिधियों के लिए सख्त कानून होने चाहिए, लोकपाल होना चाहिए। इस नाम पर सत्ता में आए केजरीवाल, बदलाव की सोच लेकर आए केजरीवाल, आज सबसे बड़े भ्रष्टाचारी पार्टी के रूप में स्थापित हो चुके। पार्टी इनकी सरकार के मंत्री जेलों में, सांसद जेलों में, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान किया जा रहा। सच सामने आना चाहिए और केजरीवाल जी आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, आपको नियम पालन करने चाहिए, ना कि नियमों और इंस्टीट्यूशंस का खिलवाड़ उड़ाना चाहिए। और मेरा तो ये भी व्यक्तिगत रहा है कि इनको जाना चाहिए, इन्हें तो ईडी तो पूछती रहेगी आपसे भाई। ईडी के पास जहाँ तक मुझे जानकारी है, मैंने कुछ ये जितने अधिवक्ता है, लॉयर्स हैं, उनसे भी बातचीत टेलीविजन पे और जगहों पे सुनी है कि
कि ईडी अगर आपको बुलाता है तो आपको जाना पड़ता है। तो मेरा ये है कि चले जाइए, इसको सब खत्म करिए, एक आध दो दिन लगेगा ज्यादा से ज्यादा। भाई आपको याद है खड़गे जी भी गए थे, ईडी में बुलाया गया था, सोनिया जी भी गई थी, राहुल जी भी गए थे, तो आपको जाना चाहिए। और अगर इनको कोई संदेह है और चीजों का तो सभी देखेंगे। देखिए मेरी जहां तक सोच है वहां तक ये है कि आप तहकीकात करें, आप बातचीत करें, वो ठीक है, लेकिन जो इन लोगों का भय है कि हमको अरेस्ट कर लेंगे, मुझे लगता है वो नहीं करना चाहिए सरकार को। आपको लगता है आगे चल के कि आपके पास केजरीवाल के खिलाफ सबूत हैं, आप उनके खिलाफ केस करना चाहते हैं, वो अलग बात है, लेकिन किसी चुने हुए मुख्यमंत्री के साथ उस तरीके का व्यवहार करना मेरे हिसाब से तो अनुचित होगा। लेकिन आपको कम से कम जाना तो चाहिए, अपनी बात कहिए और उसके बाद देखते हैं ईडी क्या करेगा। आज आप सबने देखा होगा मीडिया में कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को पुनः ईडी का नोटिस जो है भेजा गया। एक बात यह समझ में नहीं आती है कि कल ही मीडिया में मुख्यमंत्री जी का दिल्ली से बाहर गोवा के अंदर दौरे का कार्यक्रम अनाउंस किया पार्टी ने कि 18, 19, 20 तीन दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री गोवा के दौरे पर होंगे लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर। और आज मीडिया में खबर आती है कि 18 तारीख के लिए ईडी ने नोटिस जारी कर दिया। ये इत्तफाक नहीं है। आप इतने दिनों से चुप बैठे रहे और कल कार्यक्रम मीडिया में घोषित हुआ और आपने नोटिस मीडिया में जो है भेज दिया, यानी ये साफ दिख रहा है कि आप किसी भी तरह से विपक्ष को लोकसभा चुनाव में जो विपक्ष के नेता हैं उनको प्रचार करने से आप रोकना चाहते हो। अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव में प्रचार न कर सकें, उसकी तैयारियां न कर सकें, इसलिए आप भाजपा ईडी को अपना एक हथियार बना चुकी है। मतलब ऐसा लगता है कि आज ईडी भाजपा के एक फ्रंटल संगठन की तरह काम करती है। ईडी एक संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था की नोटिस मुख्यमंत्री जी के यहां पहुंचने से पहले मीडिया में लीक कर दी। रुख करेंगे अगली खबर का। हरियाणा के मुख्यमंत्री के वालों जन संवाद किया गया। करनाल के सीएम मनोहर लाल ने लोगों के मुद्दे सुने। इस दौरान लोगों दी मुख्यमंत्री के वालों समस्यावां सुनिया गईं। सीएम ने कई समस्यावां का मौके पर भी निपटारा किया, कई लोगों की मौके पर पेंशन भी बनवाई गई। और आज का जनसंवाद का कार्यक्रम हमने सब देखा ही है कि सब लोगों ने बहुत ध्यान से सारी बात सुनी है। जिन लोगों की अपनी तकलीफें थी उन्होंने लिख करके हमको दी हैं, कुछ लोगों ने व्यक्तियों भी हमको बताई हैं। तो इन सब को जैसा हमारा सिस्टम बन गया, जनसंवाद का पोर्टल है, हर शिकायत हर डिमांड वो उस पोर्टल के माध्यम से डिपार्टमेंट को भेजी जाती है और एक निश्चित समय के अंदर वो उस पर कार्रवाई करते हैं और जिनकी कार्रवाई हो जाती है लोगों को बताते भी हैं। अभी पिछले दिनों में जितने भी काम आए थे उसमें से कोई 150 काम उनको लोगों को कंप्लीट करके बता भी दिए गए हैं कि उनका ये काम हो गया है, लेकिन फिर भी पाइपलाइन में जो चीज़ें हैं जैसे जैसे कंप्लीट होते हैं सबको। मॉडल दिव्या पहुजा की लाश बरामद कर ली गई है। हरियाणा के टोहाना तो दरअसल दिव्या की डेड बॉडी मिली है। कतल के 11 दिन के बाद भाखड़ा नहर के विच लाश को बरामद किया गया। गुरुग्राम पुलिस ने परिवार तो पहचान करवाई, पिट से बने टैटू तो दिव्या की पहचान हुई। बलराज गिल ने डेड बॉडी को ठिकाने लगाया। एसीपी के वालों जो कि बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते जानकारी दी गई है कि बलराज गिल ने डेड बॉडी को ठिकाने लगाया गया। लाश ठिकाने लाने तो बाद बस के राही फरार हो गए। पटियाला तो भवानी, फिर जयपुर से उदयपुर होंदे हुए कानपुर पहुंचे। कानपुर तो ट्रेन के राही हावड़ा पहुंचे। हावड़ा तो बलराज से रवि अगला अलग अलग हो गए। रवि की हाले भी गिरफ्तारी बाकी है। एसीपी वालों भी कहा गया कि रवि की हाले गिरफ्तारी बाकी है। डेड बॉडी जिथे सुटी गई उस तो 150 किलोमीटर दूर तो बरामद की गई। बलराज गिल को जैसे ही पकड़ा गया तो उससे वहां पर जो ट्रांजिट रिमांड के दौरान भी पूछताछ करी गई तो उसने हमें स्पॉट जो था डेड बॉडी वहां फेंकी गई है वहां पर उसने हमें कंफर्म करवाया। तो जो भाखड़ा कैनाल जो है और वहां से जिस तरीके से आज डेड बॉडी हमें रिकवर हुई है
ये फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो कैनाल है, सिरसा कैनाल भी कहलाती है, टोहना कैनाल भी कहलाती है, वो उससे हमें डेड बॉडी रिकवर हुई है। जो वेपन वगैरह उसमें इस्तेमाल करे गए थे और कुछ इस तरीके के मटेरियल एविडेंसेस भी थे जो दिव्या पहुजा की हत्या क्रम के दौरान जो मुख्य एविडेंस के तौर पर हम देख रहे थे, उनको भी कंसील करने की कोशिश करी गई और छुपाने के लिए और उनको ठिकाने लगाने के लिए एक मेघा नाम की लड़की थी जो कि अभिजीत की साथी थी, काफ़ी समय से उसको जानती थी, उसकी मदद ली गई और मेघा का सपोर्ट लेकर उन वेपन्स को और जो घटनाक्रम में इस्तेमाल हुए मटेरियल एविडेंसेस को ठिकाने लगाने छुपाने के लिए मेघा की मदद ली गई। और उस क्रम में आगामी कार्रवाई करते हुए जब उस मेघा का जब उसमें रोल सामने आया तो 8 जनवरी को उसको भी अरेस्ट करा गया। पसियाना एक जगह पड़ती है पटियाला में, उसके पास जो पुल आता है उसके पास से जो कैनाल है भाखड़ा की मेन कैनाल आती है उसके अंदर इस बॉडी को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया और फेंक दिया गया BMW को बस स्टैंड के पास छोड़ के। और वहाँ से ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट की मदद से ये पहले भिवानी गए, उसके बाद इन्होंने फिर जयपुर गए, उसके बाद ये उदयपुर गए और उदयपुर से फिर ये कानपुर गए। इसमें लगभग इन्होंने बस का इस्तेमाल किया, फिर कानपुर से इन्होंने ट्रेन के मार्फत ट्रेन के रास्ते ये हावड़ा पहुंचे। संगरूर दे गन हाउस दे विच लुट हुई है। चंचल गन हाउस दे विच 16 हथियारां दी लुट की गई है। 32 बोर दे 5 पिस्टल, 32 बोर दे 5 रिवॉल्वर चोरी किए गए हैं। 12 बोर दियां 5 बंदूकों ते 30 बोर की एक राइफल चोरी हुई है। एक बंदूक सुनाम रोड तो बरामद हुई है। 3 मुलजमान के लुट की वारदात को अंजाम दिता गया। 3 मुलजम CCTV के भी कैद हुए हैं। 2 लुटेरे निहंग सिंह के बाने वे सन जो पुलिस के वालों जानकारी दी गई है। मुलजमान की भाल के लिए पुलिस ने टीमां भी बना दित्तियां ने। तो खबरों का प्राइम टाइम लगातार जारी रहेगा। फिलहाल फिर रुक रहे हैं छोटी जी ब्रेक ली, जल्द हाजिर होने हैं ब्रेक तो बाद।